लालची मटन वाला। सोनपुर नाम के गांव में आदिल नाम का एक मटन का व्यापारी रहता था। पूरे गांव में मटन की सिर्फ एक ही दुकान थी, इसलिए सभी आदिल की दुकान से ही मटन खरीदा करते थे। अरे आदिल मियां, मटन कैसे दे रहे हो? 1 किलो का 200। ठीक है, 2 किलो दे दो। जी अभी देता हूँ। ताजा देना। बिल्कुल भैया, ये भी कोई कहने की बात है क्या? इस तरह से आदिल हर रोज मटन बेचा करता था और रात को दुकान बंद करके वापस घर जाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। आदिल हर रोज सुबह सुबह उठकर पास ही के गांव से बकरियां लाने जाया करता था और बकरियां लाकर गांव वालों को उसका मटन बेचा करता था। इसी तरह एक दिन सुबह आदिल पास ही के गांव के बकरी के व्यापारी रमेश के पास जाता है। जब व्यापारी उसे कहता है, अरे आदिल, सुना है तेरा धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ भैया, बस घर का खर्चा चल जाता है। अरे अब झूठ भी मत बोलो, पूरे गांव में तुम अकेले ही मटन बेचते हो। तुम तो मनमाने दाम में मटन बेच के खूब कमाते होंगे और मुझसे तो सस्ते दामों में बकरियां लेकर जाते हो, तो मुनाफा तो बहुत होता होगा। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो कम से कम दामों में मटन बेचता हूँ। मैंने गांव वालों से कभी कोई बेईमानी नहीं की है। अच्छा ठीक है, वो सब रहने दो। तुम्हें बस ये बताना था कि बकरियों का चारा बहुत महंगा हो गया है, तो उनकी देखभाल करने में बहुत खर्चा होगा, इसलिए आज से बकरियों के दाम भी बढ़ गए हैं। 1 बकरी 4,000 की मिलेगी। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। इतनी महंगी बकरियां मैं कैसे खरीद सकूंगा? और अगर बकरियां इतनी महंगी खरीदूंगा तो इसका मटन सस्ते दामों में गांव में जाकर कैसे बेचूंगा? देखो भाई, लेना है तो लो, नहीं तो और भी है खरीदने वाले। आदिल के पास बकरी खरीदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि रमेश को छोड़कर गांव में और कोई भी बकरियां नहीं पाला करता था। रमेश ने इसी बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया और वो अपने ग्राहकों को महंगे दाम में बकरियां बेचने लगा। ठीक है भैया, आज तो फिर मैं एक ही बकरी ले जा सकूंगा। पहले की तरह 1,000 की देते तो 4 बकरियां ले जा सकता था। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं, अगर महंगी लग रही है तो जाओ दूसरी दुकान से ले लो। ये कहकर रमेश हंसने लगता है और आदिल एक बकरी लेकर घर वापस आ जाता है। अरे बाकी की बकरियां कहाँ हैं? दुकान पर ही छोड़ा है क्या? अरे नहीं, जहाँ से मैं बकरियां लेता हूँ उसने बकरियों के दाम बढ़ा दिए हैं, इसलिए आज एक ही बकरी ला सका मैं। तो फिर आप मटन कैसे बेचेंगे? मेरा मतलब है, एक बकरी से तो बहुत कम मटन निकलेगा। हाँ मटन तो कम निकलेगा, लेकिन वो भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब? मैं समझी नहीं। पहले तो मैं कम दाम में मटन बेचा करता था, लेकिन अब जो इतनी महंगी बकरी लेकर आया हूँ तो मटन भी तो महंगा ही बेचना पड़ेगा ना। और इतना महंगा मटन पता नहीं गांव वाले खरीदेंगे भी या नहीं। अरे रे रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। हर रोज की तरह आदिल अपनी दुकान में जाकर मटन काटने लगता है। अरे भैया, 1 किलो मटन तोल देना। जी अभी देता हूँ। इतना कहकर आदिल उसे 1 किलो मटन तोल देता है। ये लो भैया अपने पैसे। अरे दीदी, 500 रुपए हुए, ये तो सिर्फ 200 है। क्या 500 रुपए? ये कब हो गया? अभी परसों ही तो मेरे पति 200 रुपए में लेकर गए थे। 2 दिन में ही दाम दुगने से ज्यादा हो गए? मजाक कर रहे हैं क्या भैया? अरे नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। बाजार में बकरियों के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए मटन का भी दाम आज से बढ़ गया है। रहने दो भैया, मुझे नहीं चाहिए, ये इतना महंगा मटन अपने पास ही रखो आप। इतना कहकर वो औरत बिना कुछ लिए ही वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद और भी ग्राहक आदिल के पास आते हैं, लेकिन महंगा होने के कारण कोई भी उससे मटन नहीं लेता और सब उसे भला बुरा कहकर उसकी दुकान से चले जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो सरासर लूट मचा रखी है, इससे सस्ता तो शहर में मटन मिल जाएगा। शाम हो जाती है लेकिन आदिल की कोई बिक्री नहीं होती। तभी वो देखता है कि बकरी बेचने वाला रमेश उसकी दुकान के ठीक सामने मटन की दुकान लगा रहा होता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। आ जाओ सस्ते में मटन ले जाओ, मटन बिरयानी बनाओ और मजे से खाओ। आओ, आओगे तो पाओगे, नहीं तो बाद में पछताओगे। इतना सुनते ही सभी गांव वाले रमेश की दुकान पर मटन खरीदने के लिए लाइन लगा लेते हैं।
अरे भैया, मटन कैसे दे रहे हो? 100 रुपए किलो दे रहा हूँ भाभी, कितना दे दूँ? अच्छा, तब तो 2 किलो दे दो। अरे भाई, मुझे भी 1 किलो मटन तोल दो। अरे भैया, थोड़ी मटन कड़ी बना लेना और थोड़ा मटन बिरयानी बना लेना, 4 किलो ले लो, 400 ही होंगे। ये बात तो ठीक है, आप इतना सस्ता कैसे दे रहे हो? आज से पहले आपको देखा भी नहीं इस गांव में, वह सामने की दुकान में तो 500 का 1 किलो मिल रहा है। अरे भैया, हम बाकियों की तरह ठग नहीं है, बीवी बच्चे वाले आदमी है, एक एक पैसे की कीमत हमें अच्छे से मालूम है। मैं नया हूँ, लेकिन मटन हमेशा पुराने दाम पर ही आप सभी को बेचूंगा। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और रमेश की दुकान से मटन लेने लगते हैं। आदिल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जब रमेश की दुकान पर भीड़ कुछ कम होती है, तब आदिल उसकी दुकान पर जाता है। अरे भाई, आपने ऐसा क्यों किया? भला मैंने क्या किया? मैं तो अच्छा खासा यहाँ मटन बेच रहा हूँ। बकरियों के दाम तो बढ़ गए है ना, तो फिर भैया आपने मटन इतना सस्ता कैसे बेच दिया? ऐसा करने में तो मुझसे कोई भी मटन नहीं खरीदेगा और मेरा व्यापार बंद हो जाएगा। तो फिर एक काम करो, तुम अपना मटन मुझे बेच दो, मैं सारा मटन खरीद लूंगा, वह भी 1000 रुपए में। अरे भाई, ये तो सरासर घपलाबाजी है। मैंने पूरे 4000 देकर तुमसे बकरी ली थी, 1000 रुपये में मैं तुमको सारा गोश्त दे दूंगा तो मेरा तो घाटा हो जाएगा। तो फिर भाई तुम रास्ता नापते बनो, वैसे भी थोड़ी देर में मुझे दुकान बंद करके घर जाना है। आदिल अब बुरी तरह से फंस चुका था, इसलिए मजबूर होकर उसने सारा मटन रमेश को 1000 रुपए में बेच दिया और दुखी मन से घर वापस आ गया। क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों हो? बिक्री तो अच्छी हुई ना? पता नहीं, अल्लाह हमसे किस जन का बदला ले रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हो, साफ साफ बताओ ना क्या हुआ है। आदिल उसे सारी बात बताता है। अब तो दोनों को ही कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि घर कैसे चलेगा। उधर रमेश भी दुकान बंद करके अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी रानी उसे कहती है, आ गए पतिदेव, लाइए इतनी कमाई हुई है, इधर दीजिए। अरे भाग्यवान, कभी पानी का भी पूछ लिया करो। ज्यादा मचमच मत करो, रानी नाम है मेरा। नौकरों वाले काम कराने हो तो इतना कमाओ कि घर में नौकर जाकर रख सको। तुम भी ना। अच्छा छोड़ो, आज तो पहले से भी और ज्यादा कमाई हुई है, पूरे 60,000। आज क्या तिगड़प लगाया तुमने? रमेश उसे सारी बात बताता है कि कैसे उसने सस्ता मटन बेचकर आदिल का धंधा चौपट कर दिया। इस पर रानी उसे कहती है, अरे मेरे मूर्ख पति देव, मेरे मायके से मिली सोने जैसी बकरियों को तुमने इतने सस्ते में कैसे बेच दिया? पता भी है सोने का भाव कितनी तेजी से आसमान छू रहा है। मुझे पता था तुम यही कहोगी, लेकिन मैं और करूँ भी क्या, घर में आते ही तुम पैसे मांगने लगती हो, कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे, और तुम्हें ये कहाँ से सोने की बकरियाँ दिखती है? हाँ, रानी नाम है मेरा, पैसे तो चाहिए ही मुझे, वो भी बहुत सारे। और हाँ, मेरी बकरियाँ किसी सोने से कम नहीं है। अब कल से तुम ठीक वैसे ही करोगी जैसा मैं तुम्हें कहूँगी। क्या करना होगा मुझे? जानवरों को बड़ा करने के लिए और उसका वजन बढ़ाने के लिए शहर में दवाइयाँ मिलती है। अब से हम सस्ते दाम में बकरी के बच्चे को लाएंगे और उसे दवाइयाँ खिला खिला कर बड़ा कर देंगे और उसी के मटन को गाँव के बाजार में बेचेंगे। बकरी का वजन बढ़ेगा तो मटन बेचने में और भी मुनाफा होगा, समझे मेरे उल्लू पति देव? पर ये तो गलत है। अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या सही है और क्या गलत? चुपचाप से जैसा कहा है वैसे ही करते जाओ। अगले दिन से रमेश छोटी बकरियों को इंजेक्शन लगाकर बड़ा कर देता है, जिससे कुछ दिन में ही वो काफी बड़ी और भारी भरकम हो जाती है। गांव में किसी को भी रमेश की इस हरकत का पता भी नहीं चलता और वो बेफिक्र होकर उसके दुकान से सस्ते दाम पर मटन खरीदते हैं। उधर आदिल का मटन का व्यापार बंद हो गया था, इसलिए वो मजदूरी करने लगा। कुछ समय बाद ईद आने वाली होती है तो आदिल रमेश की दुकान पर मटन खरीदने के लिए आता है। रमेश उसे मटन तौल कर देता है। अरे ये क्या, मैंने तो 1 किलो आपसे मांगा, पर ये तो बहुत कम है। हाँ तो देसी बकरे हैं, मैं लूले लंगड़े बीमार बकरे नहीं बेचता।
तभी वहाँ गांव के मुखिया जी आते हैं और दावत के लिए 100 किलो मटन का ऑर्डर देकर चले जाते हैं। आदिल दूर से सब देख रहा होता है क्योंकि उसे रमेश पर शक हो गया था। 100 किलो मटन के ऑर्डर के लिए इतनी आसानी से हाँ कह दिया, आखिर कहाँ से लाएगा इतना सारा मटन? मटन में जरूर कुछ काला है, अब तो देखना ही पड़ेगा। रमेश जब शाम को दुकान बंद करके घर वापस जाता है तो आदिल भी उसका पीछा करता है और वो देखता है कि रमेश और उसकी पत्नी रानी अपने फार्म में रखी छोटी बकरियों को इंजेक्शन दे रहे होते हैं। बस परसों ईद है और तब तक तो ये बकरियां काटने के लिए तैयार हो जाएगी। हाँ, और फिर होगी पैसों की बारिश। आखिर रानी नाम है मेरा। ये सब देखकर आदिल को सब कुछ समझ में आ जाता है और उसने अब सोच लिया था कि वो रमेश और रानी का भांडा फोड़ कर ही रहेगा। ईद वाले दिन रमेश 100 किलो मटन लेकर सरपंच के घर पहुंचता है, लेकिन जब दावत में लोग मटन बिरयानी खाने लगते हैं तो सरपंच देखता है कि बिरयानी तो कम पड़ रही है। अरे ये क्या, मैंने तो इतनी सारी मटन बिरयानी बनवाई थी, फिर भी यह कम कैसे पड़ सकती है? ऐसे में तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो बहुत घबरा जाता है। तभी वहाँ आदिल आता है और सरपंच जी को अपने फोन में रिकॉर्ड हुई रमेश की काली करतूतों को दिखाता है। सरपंच जी, ये रमेश ना जाने कब से ऐसे दवाइयों वाले मटन को पूरे गांव में बेच रहा है। इसी को खाकर कई बार लोग बीमार भी हो गए हैं। इसी ने मेरे मटन का व्यापार भी बंद करवाया था और इसी की वजह से आज आप भी बदनामी की कगार पे खड़े हैं। इतना सुनते ही सरपंच तुरंत रमेश और उसकी पत्नी रानी को पूरे गांव वालों के सामने बुलाते हैं और गांव वालों को सारी बात बताते हैं। सभी गांव वाले गुस्से में उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी आदिल उन्हें रोक देता है और उन्हें समझाने लगता है। उसके बाद रमेश की पत्नी रानी कहती है, मुझे माफ कर दो आदिल, मैं पैसे की लालच में अंधी हो गई थी। हम दोनों ये गांव छोड़कर चले जाएंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। उस दिन से आदिल दोबारा मटन की दुकान खोलता है और अब उसकी दुकान में पहले से भी ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं।